थाने के सामने सीसी सड़क में अनियमितता पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार ने अधूरा कार्य छोड़कर बूले केसूर राय नगरी में थाने के सामने बन रही सीसी सड़क में एक महीने से एक साइड बनाकर पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। अभी एक साइड से रोड पर सड़क पर गड्ढे होने से वाहन चालक फिसल कर घायल हो रहे और केसूर नगरी में आने वाले सरदारों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार को कोई फर्क नहीं है। पाटन पालिका जनप्रतिनिधि हल्ला बोल पीडब्ल्यूडी पर एसी को ज्ञापन भेजा गया, अधूरा कार्य को पूरा करवाने की मांग की गई, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले भी पार्षद ने ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस मौके पर पार्षद उमेश मीणा, पार्षद तुषार शर्मा, पूर्व पार्षद राकेश नामा, पूर्व पार्षद मुकेश चंदेल मौजूद रहे। पीडब्ल्यूडी विभाग जैन चिराग मावन ने बताया कि दीपावली के बाद कार्य चालू करवा दिया जाएगा। आगे सुनाई पाटन क्षेत्र से सुनील मेघवाल, जनता न्यूज संवाददाता। पीडब्ल्यूडी के द्वारा मनमानी करते हुए ये गड्ढे बारिश के टाइम से ऐसे ये पानी भरा रहता है, आम आदमी परेशान हो रहा है। ये ऐसे ही गड्ढा बूंदी में गड्ढों की वजह से बच्चा है जो मासूम उसकी टांग कट चुकी है। हमने कई बार ऐसे एक्शन को इनको कई बार अवगत करा दिया लेकिन लोगों का अभी तक कोई ध्यान नहीं है और कार्तिक मेला सिर पर आ चुका है। अगर ये नहीं माने तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और धरना प्रदर्शन वगैरह करना पड़ेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और ठेकेदार की होगी।